हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, अब बस हम कुछ ही घंटे दूर है जब हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का पहला शो देखने को मिलेगा फॉक्स नेटवर्क पर, जहां पर हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि थीम सॉन्ग, स्टेज, इसके अलावा और भी काफी कुछ, और साथ ही साथ हमें कई सारे रिटर्न्स एंड सरप्राइजेस भी देखने को मिलने वाले। और WWE ने अभी से ही कई सारी बड़ी चीजें कन्फर्म कर दी है और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ रिटर्न्स के बारे में जिसे WWE ने अभी से कन्फर्म कर दिए, तो वो है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द अंडरटेकर, हल्क होगन, रिक फ्लेयर, लीटा, मिक फॉली, बुकर टी, ट्री स्टेटस, जेरी द किंग लॉलर, मार्क हेनरी, स्टिंग, गोल्डबर्ग एंड कर्ट एंगल। और इसके साथ ही साथ हमें एक और बड़ा रिटर्न देखने को मिलने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ देर बाद बात करूंगा। तो अब बात कर लेते हैं अपने कुछ मैचेस के बारे में जो कि हमें देखने को मिलने वाला है स्मैकडाउन के फॉक्स नेटवर्क के डेब्यू पर। तो सबसे पहला मैच जो हमें देखने को मिलने वाली इस स्मैकडाउन में वो होने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए कोफी किंगस्टन वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इस मैच को WWE ने काफी पहले ही कंफर्म कर दिया और तभी से ऐसे ही रूमर आ रहे हैं कि इस मैच में हमें ब्रॉक लेसनर की जीत दिखाई देने वाली है और वो कोफी किंगस्टन को हराकर बनने वाले हैं न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। बट हम सब जानते हैं WWE हमें शॉक देने में कभी पीछे नहीं हटती, तो क्या पता यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिल जाए और कोफी किंगस्टन रिटेन कर जाए अपने WWE चैंपियनशिप। बट हाँ, अभी भी सबसे ज्यादा जिस सुपरस्टार के जीतने के चांसेस है वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। तो अब बात करें अपने नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि हमें देखने को मिलने वाला है इस स्मैकडाउन के प्रीमियर एपिसोड में, तो वो होने वाला है केविन ओवेंस वर्सेस शेन मैकमैन के बीच एक लैडर मैच, और लैडर के ऊपर टंगी होगी एक कॉन्ट्रैक्ट। और हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि जो भी इस मैच को हारेगा वो WWE छोड़कर चले जाएगा, यानी कि इस मैच में दोनों सुपरस्टार की करियर ऑन द लाइन होगी। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि शेन मैकमैन के हारने के काफी ज्यादा रूमर आ रहे हैं कि वो इस मैच को हारकर काफी लंबे टाइम तक WWE से दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब WWE को अथॉरिटी फिगर की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए अब देखना होगा कि आखिरकार इस मैच को कौन हारता है और कौन जाता है WWE छोड़कर। तो अब बात करें अपने अगले मैच के बारे में जो कि कंफर्म हो चुका है, वो है फोर हॉर्स वुमेन का मैच, जो कि हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा जहां पर एक टीम में रहेगी बेकी लिंच एंड शार्लोट फ्लेयर और दूसरी टीम में रहेगी साशा बैंक्स एंड बेली। अब ये मैच देखने में तो काफी ज्यादा सिंपल लग रहा और इस मैच को हमने पहले ही मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देख लिया, बट हो सकता है कि यहां पर WWE हमें कुछ सरप्राइज देते हुए दिखे, जैसे कि वो यहां पर किसी का रिटर्न करवा दे या फिर और भी काफी कुछ। इसलिए अब देखना होगा कि आखिरकार जब WWE इतने बड़े एपिसोड में इस मैच को करवा रही है तो क्या यहां पर हमें कुछ बड़ा देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो अब बात करें अपने अगले मैच के बारे में जो कि हमें देखने को मिलने वाला है द बिग डॉग रोमन रेंस वर्सेस एरिक रोवन के बीच। तो जैसा कि आप सबको पता है हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में डैनियल ब्रायन एंड रोमन रेंस वर्सेस एरिक रोवन एंड लुक हार्पर का मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और हम सब जानते हैं स्मैकडाउन WWE के पास आखिरी मौका है जब वो हेल इन अ सेल के पेपर व्यू के लिए हाइप क्रिएट करेगी, लेकिन जैसा कि हमें पता है इस मैच में हमें लुक हार्पर की इंटरफेरेंस जरूर देखने को मिलेगी, तो हो सकता है कि हमें रोमन रेंस की तरफ से भी डैनियल ब्रायन आते हुए दिखे। और जैसा कि आप सबको पता है पिछले वीक स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में डैनियल ब्रायन ने रोमन रेंस से हाथ नहीं मिलाई थी, यानी कि इन दोनों का एक टैग टीम मैच तो कंफर्म हो गया था बट ये दोनों एक सही पार्टनर नहीं बने थे। तो हो सकता है इस वीक फाइनली हमें रोमन रेंस एंड डैनियल ब्रायन एक अच्छी तरह से एक साथ आते हुए दिखे। तो अब बात करें अपने अगली चीज के बारे में जो कि कर दिए WWE ने ऑफिशियली कंफर्म, वो है द पीपल्स चैंप द रॉक का रिटर्न, जो कि आप सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा। और इससे भी इंटरेस्टिंग देखना है ये कि वो वहां पर करेंगे क्या। बट जैसा कि हम सब जानते ही है रॉक काफी कम अपीयर होते हैं WWE में, और अगर वो आ रहे इसी स्मैकडाउन में WWE उन्हें अच्छे से यूज करना चाहेगी। और सबसे ज्यादा जिसके पॉसिबिलिटी है वो ये है कि या तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ अपना एक प्रोमो कट करते हुए दिखेंगे या फिर उनका कोई सेगमेंट देखने को मिल सकता है रोमन रेंस के साथ, क्योंकि आप सबको पता ही है रोमन रेंस ने रिएक्ट भी किया था द रॉक के रिटर्न कंफर्म होने के बाद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर। और साथ ही साथ हाल ही के एक इंटरव्यू में रोमन रेंस ने उनके और द रॉक के बीच एक मैच के बारे में भी डिस्कस किया था कि वो उस मैच को जरूर खेलना चाहते हैं, क्योंकि द रॉक एक काफी बड़े सुपरस्टार है और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि वो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हम सब जानते हैं WWE काफी समय से करवाना चाहती है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच, बट रॉक काफी ज्यादा बिजी रहते हैं इसलिए उन्हें WWE में कोई मैच लड़ने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन क्या पता WWE इस साल के रेसलमेनिया के लिए ये मैच फिर से प्लान कर रही हो, जैसा कि उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हिंट भी किया था। इसलिए हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें द रॉक एंड रोमन रेंस का सेगमेंट जरूर देखने को मिलेगा, इसके काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था अपने पिछले वीडियो में जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यानी कह सकते हैं द रॉक आ रहे हैं, वहां पर हमें काफी कुछ बड़ी चीजें होते हुए दिखेगी जो कि हम सब ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ। लेकिन गाइस, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस स्मैकडाउन के लिए किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, और आपके मन में जो भी डाउट है कल के स्मैकडाउन से रिलेटेड वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।